प्रेग्नेंट चुड़ैल बहू की दुर्गा भक्ति। पहर बदलने के साथ चैत्र मास की दूसरी तिथि प्रारंभ होती है और नवरात्रि का शुभ अवसर आता है। तभी एक गर्भवती चुड़ैल जमीन को चीरते हुए धरती पर कदम रखते हुए कहती है, हे माँ, तेरा लाख लाख धन्यवाद मुझे बाहर लाने के लिए। अब मैं अपनी पूर्ण आस्था से दुर्गा मैया की 9 दिनों की नवरात्रि रखूंगी। ये कहकर गर्भवती चुड़ैल अंधेरे में आसमान में उड़ती हुई बढ़ने लगती है। उस रात आसमान में बेतहाशा बिजली कड़क रही थी और तेज आंधी तूफान के साथ चुड़ैल अपने ससुराल में कदम रखती है और सबसे पहले मंदिर में प्रवेश करके बोलती है, दुर्गा माँ, ये मेरा सौभाग्य है कि एक चुड़ैल बनने के बाद भी मैं आपकी पवित्र प्रतिमा को स्पर्श कर सकती हूँ। ये कहकर चुड़ैल सोए हुए अपनी सास और पति के पैर छूती है, जिसके बाद वो बाहर आकर अपनी शक्तियों का प्रयोग करके बिखरे घर का सामान काम धाम सब समाप्त करती हुई कहती है, घर का सारा काम तो निपटा दिया पर अभी सिर्फ रात के 3 बजे हैं। एक काम करती हूँ, दुर्गा मैया की पूजा के लिए सारी सामग्री का प्रबंध कर लेती हूँ। सबसे पहले फूल तोड़ लाती हूँ। इतना बोलकर गर्भवती चुड़ैल गांव में रहने वाली सरिता के फूलों की डालियों के पास आकर रुक जाती है और कहती है, यहाँ तो भांति भांति के पुष्प हैं, पर मुझे सिर्फ जवां कुसुम का ही पुष्प चाहिए जो दुर्गा माँ को सबसे प्रिय है। डालियों के हिलने की आवाज से सरिता की कच्ची नींद खुल जाती है और वो आंख मलते हुए कहती है, अरे इतनी रात को कौन भला मानुष मेरे फूलों की डालियों को हिला डुला रहा है। नवरात्रि का पहला दिन शुरू हुआ नहीं कि आज से ही मेरे फूलों को उजाड़ने पर तुल गए। देखो तो जरा कौन है। सरिता खिड़की से बाहर ताकती है और एक चुड़ैल को फूल तोड़ता देखकर वो डरी हुई हकलाती जुबान से बोलती है, हे दुर्गा माँ, ये तो चुड़ैल है। चुड़ैल भी दुर्गा माँ की नवरात्रि करती है क्या जो फूल तोड़ रही है? कहीं इस भयानक चुड़ैल ने मुझे देख लिया तो ये नवरात्रि तेरी काल रात्रि बन जाएगी। ये बोलकर सरिता कप कपाते हाथों से आहिस्ता आहिस्ता खिड़की को बंद कर लेती है और गर्भवती चुड़ैल भी फूलों को लेकर अपने घर आती है और 4 बजने के साथ चुड़ैल उन जवां कुसुम फूलों की माला बनाकर फल फूलों से थाली सजाकर दुर्गा माँ को कुमकुम का टीका लगाकर फूलों की माला पहनाती है और आरती उतारते हुए गीत गाकर कहती है, लेकी पूजा की थाली जोत मन की जलाली तेरी आरती उतारो दुर्गा माँ। तू जो दीदी सहारा सुख जीवन का सारा तेरी चरणों में वारो दुर्गा माँ। गाने की आवाज जैसे ही कमला और उसके पति सुरेश के कानों में पड़ती है तो दोनों घर में बने उस मंदिर में कदम रखते हैं और चुड़ैल को देखकर डरते हुए बोल पड़ते हैं, तुम वापस नहीं आ सकते, ये नहीं हो सकता। सुरेश दूर हट इससे, चुड़ैल बन चुकी है ये हमें मौत के घाट उतारने आई है। माँ जी आप मुझे गलत समझ रही हैं, मैं भला अपने परिवार को क्यों नुकसान पहुँचाऊंगी? आप दोनों ने और गांव वालों ने जो हिंसा मेरे साथ किया उसे मैं भुला चुकी हूँ। मैं बस दुर्गा माँ की नवरात्रि के पावन अवसर को धूमधाम से मनाने के लिए यहाँ आई हूँ। अरे पर तू तो बांझ थी ना, फिर गर्भवती कैसे हुई? याद कीजिए उस पूरी घड़ी को, मैंने आप लोगों से कितना चीख चिल्ला कर बोला था पर किसी ने मेरी एक न सुनी। गर्भवती चुड़ैल उन्हें गुजरे वक्त की दास्तान सुनाने लगती है। ममता की शादी सुरेश से हुई थी। शादी को 5 साल होने के बाद भी ममता की गोद हरी नहीं हुई, जिसके चलते उसे अपनी क्रूर सास की खरी खोटी के साथ ही अपने पति के ताने और उसके जानवरों जैसी मार भी झेलनी पड़ती थी। पर ममता दुर्गा माँ के प्रति सच्ची श्रद्धा रखती थी। चारों तरफ से नवरात्रि की तैयारियां चल रही थी। ममता भी अपने पूरे घर की साफ सफाई कर चुकी थी और हाथों में पूजा की थाली लिए गांव में बने दुर्गा माँ के मंदिर में प्रवेश करके पूजा करने लगती है। तभी गांव की कुछ बुरी औरतें उसके पास आकर अपने ताने भरे शब्दों में बोलती हैं, क्यों रे बांझ, तेरी हिम्मत कैसे हुई दुर्गा माँ के पवित्र मंदिर में अपने अशुभ कदम रखने की? मैं भी तो एक औरत हूँ तो मैं आखिर दुर्गा माँ के मंदिर में कदम क्यों नहीं रख सकती? अरे क्योंकि तू एक बांझ है,
औरत के नाम पर धब्बा है धब्बा। तुझे यहाँ कदम रखने का कोई हक नहीं, तू बांझ की छाया है। अगर किसी परिवार पर पड़ जाए तो उनकी हस्ती खेलती गृहस्थी में भी बांझपन की दीमक लग जाएगी। सभी औरतों के मुंह से बांझ होने का ताना सुनकर ममता की आंखों से आंसू के झरने फूट पड़ते हैं और वो रोते हुए अपने घर आकर दुर्गा माँ की प्रतिमा के सामने बिलक बिलक कर रोते हुए कहती है, हे दुर्गा माँ, पिछले 5 सालों से मेरी गोद सुनी है माँ, दुनिया मुझे बांझ कहकर पुकार रही है। तू कहाँ सोई है माँ, अपनी इस भक्त की पुकार सुन माँ, मेरी सुनी गोद भर दे माँ। ममता ये बोल ही रही होती है कि तभी उसकी सास और पति उसके पास आते हैं और कमला कड़वे लहजे में कहती है, अरे बांझ, तेरी कोक हमेशा सुनी रहेगी। कोसती हूँ मैं उस घड़ी को जिस दिन मैंने अपने बेटे को तुझ जैसी बांझ के पल्ले बांध दिया, जो इस घर को एक वंश नहीं दे सकती। जब तक ये बांझ इस घर में है मैं कभी पिता नहीं बन पाऊंगा, निकल जा इस घर से। नहीं, मुझे घर से मत निकालिए, मैं कहाँ जाऊंगी। वो दोनों उसकी एक नहीं सुनते और उसे घर से खदेड़ देते हैं, जिसके बाद ममता रोते हुए दुर्गा माँ के मंदिर में नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक श्रद्धा से साफ सफाई और पूजा करती है और नवरात्रि के 9वें दिन वो कहती है, हे दुर्गा माँ, तू तो जगत जननी है, आज तेरी विदाई है, जाते जाते अपने भक्त की सुनी गोद भरती जा माँ, ताकि मेरे माथे से बांझ का कलंक मिट जाए। ममता की पुकार सुनकर दुर्गा माँ की प्रतिमा से तेज रोशनी चारों ओर फैल जाती है और दुर्गा माँ प्रकट होकर कहती है, हे पुत्री, तू निराश न हो, मैंने तेरी विनती को स्वीकार कर लिया है, मैं इसी क्षण तुझे गर्भवती होने का वरदान देती हूँ। दुर्गा माँ के इतना कहते ही उनके अंदर की दिव्य चमक ममता के कोख में जाकर बस जाती है और दुर्गा माँ मूर्ति में स्थिर हो जाती है। तभी गांव के सभी लोग वहाँ आकर बोलते हैं, ये बांझ फिर से मंदिर आ गई, आज इसका काम तमाम कर देते हैं, ये नहीं सुधरेगी। मार डालो इसको ताकि इस बांझ से हमें भी निजात मिले। नहीं, ये अपराध मत करो, मैं गर्भवती हूँ, दुर्गा माँ ने स्वयं प्रकट होकर मुझे वरदान दिया है। झूठ बोल रही है ये बांझ। गांव का कोई भी व्यक्ति उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता और उस पर बुरी तरीके से पथराव करके उसे मौत के घाट उतार देती है और मरने के बाद ममता एक गर्भवती चुड़ैल बन जाती है। उसकी दास्तान सुनकर कमला कहती है, हमसे भारी अपराध हो गया, पर तू एक गर्भवती चुड़ैल है तो तेरे गर्भ में पल रहा बच्चा इस संसार में कदम कैसे रखेगा। इसका हल जगत जननी माँ दुर्गा ही निकालेगी, मैं नवरात्रि की पूरी 9 व्रत और 9 दिन सच्चे मन से उनकी पूजा उपासना करूंगी और उन्हें पुकारूंगी। इस तरह चुड़ैल पूरे नवरात्रि के 9 दिनों तक दुर्गा माँ के विधि विधान से पूजा पाठ करती है और 9वें दिन दुर्गा माँ प्रकट होकर कहती है, ममता, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हुई हूँ, इसीलिए ये प्रकृति में प्रथम घटना होगी कि एक चुड़ैल का अंश एक जीवित मानव के रूप में जन्मेगा। तुम्हारे गर्भ में पल रहा ये बच्चा जीता जागता इंसान होगा। माँ तो धन्य है माँ। ये कहकर दुर्गा माँ गायब हो जाती है और चुड़ैल अपने बच्चे को जन्म देकर उसे अपनी सास को सौंपते हुए कहती है, मैंने अपना कर्तव्य पूर्ण किया, मैंने इस कुल के दीपक को जन्म दे दिया है, अब उसका लालन पालन आपको करना होगा, मेरे जाने की घड़ी आ गई है। बांझ का अस्तित्व मिटने के साथ चुड़ैल को मुक्ति और कमला को अपने घर का वंश मिल जाता है। इरादे अगर नेक हो तो उन्हें ऊपर वाले को पूरा करना ही पड़ता है।